हाय एवरीवन, दिस इज फेजी फ्रीक और यहाँ पर आप चाबी देख रहे हो। ये कौन सी गाड़ी की है? एफिल टावर वगैरह नहीं बने हैं। ये है भाई सिट्रोन, सिट्रोन की बसाल्ट आई है हाल ही में, मतलब अच्छा खासा टाइम तो हो गया उस गाड़ी को आकर। बहुत मस्त है, टाटा कर्व जैसी रहने वाली है ये गाड़ी। वो जो कूपे टाइप होती है ना, तो वैसी एसयूवी यहाँ पर बनाया है सिट्रोन ने। भाई ये गाड़ी ने अभी रिसेंटली 4 स्टार स्कोर किए है सेफ्टी में, तो सेफ्टी को लेकर ट्रोलिंग नहीं होने वाली इस गाड़ी की, क्योंकि वहां पर वो गाड़ी देख रहे हो ना आप, ये जो गाड़ी है ये 0 स्टार है सेफ्टी के मामले में, और यहाँ पर इस गाड़ी ने 4 स्टार स्कोर किए। तो क्या क्या चीजें मिलेगी, चलो फटाफट से बात करते हैं सिट्रोन बसाल्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेरिएंट्स मिलेंगे यू मैक्स और प्लस, ऐसे 3 वेरिएंट्स हैं। अब यहाँ पर आपको नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा और टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा। ये जो गाड़ी आप देख रहे होंगे टॉप एंड वेरिएंट है, यानी कि अपनी मैक्स टर्बो, जिसकी प्राइसिंग है 13.83 लाख। एक शोरूम यहाँ पर आपकी जो गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट होगी वो होगी अराउंड 7.99 लाख से, जो कि सस्ती है कर्व से 1 से 1.5 लाख रुपये। कमिंग टू द फ्रंट, यहाँ पर आपको काफ़ी सिमिलर लुक मिलेगा सिट्रोन की जितनी भी कार्स आती है ना, उनसे मिलता जुलता आपको यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लो C3 का काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी, काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो हेडलाइट्स सेम ही है ये वाला, बट सिर्फ फर्क इतना यहाँ पर LED DRLs कुछ ऐसे शेप में मिलेंगे एंड प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी स्टॉप एंड वेरिएंट में, एंड टर्न इंडिकेटर किसी के पीछे आपको दिख रहा होगा। ग्रिल विद सिट्रोन का लोगो नीचे की तरफ आते हैं, तो डुअल फिनिश में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बम्पर, और साथ ही में यहाँ पर ये ब्लैक एलिमेंट्स एयर इंटेक के लिए, नीचे की तरफ में आपको एयर इंटेक के लिए स्पेस दी गई है। ग्रिल फिनिश में स्किप प्लेट, एंड यहाँ पर आप देख रहे हो फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट। मेरा चेहरा अच्छा है, इसका चेहरा अच्छा है। अब इस गाड़ी की जो टोटल देखते वो है 4.5 मीटर्स के आसपास, एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना आपको वो 2.651 मिलीमीटर्स का मिलेगा, जो कि कर्व से आपको ज़्यादा दिया गया है इस गाड़ी में। बाकी यहाँ पर आप जो अलॉय व्हील्स देख रहे हो 16 इंच के, आपको डायमंड कट फिनिश में अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएगा इस डिज़ाइन में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स दिए जाते हैं, एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेगा, और व्हील आर्क्स पे यहाँ पर आपको ये क्लैडिंग नज़र आ रही होगी, जो कि थैंकफुली इन्होंने पूरी बॉडी पर यहाँ तक रन नहीं करी है। नीचे की तरफ आपको ये हल्का सा प्लेसमेंट मिलेगा, और 180 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ। तो अलग चीज़ लगी ना वो है ये फ्लैट डोर हैंडल्स। अब यूजुअली तो ऐसे डोर हैंडल्स आते नहीं ये गाड़ी में, बट यहाँ पर सिट्रोन ने फ्लैट डोर हैंडल्स दिए इस गाड़ी के साथ में। बात करें भाई गाड़ी की बूट स्पेस की, तो यहाँ पर आपको 470 लीटर्स का बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि देख रहे हो आप कितना बड़ा मिलेगा। साथ में स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट यहाँ पर नीचे की तरफ दी गई है, जो कि स्टील रिम है। बंद करते हैं इसको, यहाँ पर ये उरुस वाली डिजाइन देखने को मिलेगी, कूपे एसयूवी कुछ आप ऐसे देख रहे हो यहाँ पर, और ये एलिमेंट दिया है यार पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा तो लग रहा है काफी सा। इतना प्रोफाइल देख लो गाड़ी का, बहुत मस्त लग रहा है पीछे की तरफ आके। और रिसेंटली इस गाड़ी ने 4 स्टार स्कोर किए हैं एन कैप में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब चलते हैं अंदर की तरफ, पहले रियर स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं, सबसे मेन हाईलाइट फीचर जो इस गाड़ी का है वो थोड़ा सा क्रॉस में आती है ना, सबसे मेन फीचर जो इस गाड़ी का है वो है भाई यहाँ पर एडजस्टेबल थाई सपोर्ट। इसको आप कुछ ऐसे तरीके से ऊपर नीचे करके अपना थाई सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हो, फर्स्ट एड सेगमेंट फीचर है ये। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा ना, कर्व से बेटर लेग स्पेस मिलेगी, क्योंकि व्हील स्पेस ज़्यादा है इस गाड़ी में। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हो हेडरेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा सा मिल रहा है, पूरा टेक के भी बैठता हूँ मैं तो भी डिसेंट सबके यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। लेकिन भाई टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर सनरूफ नहीं मिलने वाला। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो आपको LED रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स, आराम से आप बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हो। मुझे इस गाड़ी की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगे कर्व के मुकाबले। तो रियर में इतना ही है, और यहाँ पर ये देख रहे हो आप AC वेंट्स आपको मिल जाएगी, और नीचे की तरफ 2 चार्जिंग पॉकेट भी दिए गए हैं, जो कि बहुत ओवरऑल जो यहाँ पर पीछे का फील है वो बहुत मस्त सा देगा, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। इंटीरियर में बैठ के आपको बहुत ऐसा प्रीमियम तो फील हो गई। अब पहले तो डोर पैड्स देख लो, पहले यहाँ पर ही टेक्सचर पैटर्न का यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन के साथ में। बाकी यहाँ पर ये आर्मरेस्ट थोड़ा लेदर फिनिश में दिया गया है, पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट, डोर पॉकेट्स यहाँ पर आपको ये डिसेंट साइज के मिलेंगे, ज़्यादा कुछ बड़े हैं नहीं। ठीक, स्पीकर यहाँ पर आप देख रहे हो। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो भाई यहाँ पर हम आ गए इस गाड़ी के इंटीरियर में,
तो फ्रंट में बहुत चेंजेस है इस गाड़ी में। सबसे पहले तो यार बहुत रिच फील आपको इस गाड़ी में होने वाला है, क्योंकि ना जो इंटीरियर क्वालिटी है वो तो ढांसू है ही। कलर कॉम्बिनेशन भी इन्होंने बहुत मस्त सा दिया है, मतलब ये देखो ब्लैक फिनिश और यहाँ पर ये ग्रे फिनिश, यहाँ पर भी आपको टेक्सचर पैटर्न नजर आ रहा होगा। ऐसा दूर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ये सॉफ्ट टच फिनिश है, हालांकि हार्ड प्लास्टिक से, बट ऐसा लगता है कि ये सॉफ्ट टच फिनिश है। बाकी डैशबोर्ड डिजाइन जो है ना इनकी हर गाड़ियों का सेम ही होता है ऑलमोस्ट, तो वही चीज यहाँ पर आप देख रहे हो। डैशबोर्ड डिजाइन देख लो इस गाड़ी का, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको दिखा दूं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो, कुछ ऐसे डिजाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। डिजिटल ऑफकोर्स छोटू सा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ग्राफिक्स भी बहुत ढांसू है। स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर आप देख रहे हो, ये फ्लैट बॉटम की स्टेयरिंग व्हील मिलेगी, सेम आइडेंटिकल है सिट्रॉन की हर गाड़ियों में ऐसी ही आती है। बहुत सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, टेलीफोनिक या अपने MID के। उसके अलावा थ्री स्पोक है ये, लेकिन यहाँ पर ना एक मिनट एक चीज दिखा दो आपको, यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलने वाली, की से ही आपको यहाँ पर चालू बंद करना रहे, पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता। उसके अलावा ओआरवीएम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम दिए जाते हैं आपको। साथ ही में यहाँ पर आप देख रहे हो पावर विंडो लॉक करने के लिए स्विच, और यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है। बाकी एसी वेंट की डिज़ाइन बहुत ढांसू सी है, ओआरवीएम, और यहाँ पर ये देख रहे हो क्या चीज़ है पता नहीं, ये है भाई अपनी 10.25 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कार, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल कार प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल कार प्ले आपको मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देख लेते एक बार। सो ये है इस गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा, आपको डिसेंट क्वालिटी का रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही में ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, अब ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आपने देखा, मैनुअल का भी ऑप्शन आपको ऑफकोर्स दिया जाता है, बट ये 6-speed ऑटोमेटिक है जो कि टर्बो में आएगा। उसके अलावा ये देख रहे हो रीडिंग, खैर यहाँ पर दो छोटे कप या बॉटल रखने के लिए स्पेस, वायरलेस चार्जिंग पैड का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में दिया गया है, और ये देखो आपकी चार्जिंग हो गई ऑन, हमारा फ़ोन सपोर्ट करता है तो थोड़ा शो ऑफ किया जाए। यहाँ पर स्पेस दी गई है कुछ रखने के लिए, और ये AC के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC ऑब्वियसली मिलेगा, और ये टॉगल्स बहुत प्यारे लगते हैं यार। ये है अपना इंडिकेटर, टर्न पार्किंग लाइट्स के लिए स्विच, यहाँ पर आप देख रहे हो सॉकेट दिया गया है, और यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलेगा। और एक चीज़ मैं भूल गया, टिल स्टेयरिंग व्हील मिलेगी आपको यहाँ पर, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके अलावा क्या चीज़ है यहाँ पर, तो वैसा कुछ है नहीं। ये देखो ये यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश में फिनिश देखने को मिलेगी, और ये है इस गाड़ी का ग्लो बॉक्स, मतलब यार यहाँ पर क्या लाश आके लेकर जानी है, इतना डीप है ये, मेरा पूरा हाथ अंदर की तरफ चला गया, मतलब इतनी स्पेस आपको यहाँ पर ग्लो बॉक्स के अंदर मिलने वाली है। हुक्स वगैरह दिए गए हैं रखने के लिए, एयर बैग आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, ABS विद EBD हिल असिस्ट, ये सब स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ कोर्स रिसेंटली इसने 4 स्टार स्कोर किए हैं, तो सेफ्टी बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो IRVM जो कि आपको मैनुअल ही मिलेगा, रीडिंग लाइट्स ऊपर की तरफ आपने देख लिए, पीछे भी है, और यहाँ पर ये देख रहे हो आप सन वाइजर जिस पर कुछ भी नहीं मिलेगा, और इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा वैनिटी मिरर। सीट सुप्रीमली कंफर्टेबल है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगे कंफर्टेबल सीट्स इस गाड़ी के, बहुत ज़्यादा कर्व से बेटर सीट्स मुझे इस गाड़ी के लगे कंफर्ट वाइज। उसके अलावा इस इलेक्ट्रिक, उसके अलावा आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट इन सीट्स के लिए दिया जाता है। तो ये थी भाई अपनी सिट्रोन की बसाल्ट, कॉमेंट में बताओ कर्व या ये गाड़ी। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जाते फिर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।